सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। सबसे पहले बड़ी खबर है, सर्दी के मौसम में भी उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। जी हां, बड़कोट में गोविंद वन्य जीव पशु विहार के अलग अलग जगहों में जंगलों में आग लग गई है। संचुरी क्षेत्र में नेटवाड़ से लेकर संत रिसोर्ट के कलाप रूपिन सुपिन रेंज क्षेत्र में जंगल में आग लगने की खबर है। आग से एक तरफ बेशकीमती वन संपदा जल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कितने ही वन्य जीव बेमौत मारे जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए तस्वीरों को देख करके, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सर्दी का मौसम है लेकिन दूसरे तरफ किस तरीके से जंगल सुलग रहे हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, ये जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं ये कहाँ कहाँ की तस्वीर है और ये कैसे हो पा रहा है, बताएं विस्तार से। दीपा, देखिए अक्सर हम ये देखते हैं कि जो वनों में जो आग का जो सीजन है यानी जिसको फायर सीजन कहा जाता है वो फरवरी मार्च के बाद ही अमूमन देखा जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये दिसंबर माह का महीना है और दिसंबर माह का ही दूसरा सप्ताह है और दूसरे सप्ताह में जो है जो तस्वीरें जो सामने आई है गोविंद वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी एरिया है और टॉस घाटी का ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर वनों में जो है आग लगी हुई है। इसमें दीपा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर जो ये ठंड का जो मौसम होता है इसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों से जो जंगली जानवर होते हैं वो निचले क्षेत्रों का अपना रुख कर लेते हैं, ऐसे में जो सबसे बड़ा जो खतरा है जंगल की आग से वो इन जंगली जानवरों को है कि जो अपने रहने को जो है निचले क्षेत्र में आते हैं लेकिन वहां पर भी जंगल जब धधक रहे हैं तो वनों की आग से जो वन भूमि है या फिर जो वन संपदा है वही नुकसान नहीं हो रहे जबकि जो जंगली जानवर है उनके जान में भी खतरा बन गया। दीपा, बिल्कुल वन विभाग को इस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका पूरी जानकारी के। अब आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग में रूरल बिजनेस इक्विपमेंट और आजीविका महोत्सव की शुरुआत की। कोविड लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड लौटे 3 लाख से अधिक प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मकसद प्रवासियों के लिए बेहतर अवसर पैदा करना है ताकि उनके दोबारा पलायन करने के हालात ना बने। लगातार हम सब लोग इस क्षेत्र के कि हमारी रेल लाइन जो 155 किलोमीटर की है बहुत सालों से लोग संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करते करते बहुत सारे लोग तो ऊपर चले गए लेकिन उनकी ये योजना स्वीकृत नहीं हुई। मैं भारत के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके जो ब्रॉडगेज सर्वे है टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने जारी कर दी है, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी जो है हमारा काम होगा। इसी तरीके से हमारे कुमाऊं क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना के लिए हम लोगों ने उनसे मांग करी थी कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई बड़ा सेंटर नहीं है, कोई सेंटर हमारे लिए यहाँ पर मंजूर किया जाना चाहिए। एम्स ऋषिकेश बहुत दूर पड़ जाता है, यहाँ से दिल्ली जाना बड़ा दूर पड़ जाता है, बीच में कोई स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है। हमारा एकमात्र मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर अभी उतनी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कुमाऊं सेक्टर के लिए भी एम्स का एक और सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ऐसे बहुत सारे काम आज भारत की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ की सरकार दोनों मिलकर राज्य के लिए हम बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं पर स्वीकृति मिल रही है, लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अभी कोरोना महामारी के समय में इतने बड़े संकट के समय में भी देखिए देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। हमारे यहाँ पर बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, आईसीयू बेड नहीं थे, कंसंट्रेटर नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे। इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि जो कोरोना की जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो कोरोना की वैक्सीन की कीमत 1400 रुपये होती है और हर एक देशवासी को
एक एक व्यक्ति को ये 1400 रुपए की वैक्सीन मुफ्त में देने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक तरफ जहां दुनिया के देश कोरोना ला रहे हैं, महामारी ला रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं उसके लिए, दूसरी तरफ तो विश्व बंधुत्व की भावना है, जो हम कहते थे जगत गुरु भारत, विश्व गुरु भारत, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। दो स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई, स्वदेश के हर व्यक्ति को लगाने का काम हुआ, अपने देश के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारी भारत की सरकार ने ये वैक्सीन देने का काम किया है कि हम केवल अपने लिए नहीं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वो अल्मोड़ा के दौरे पर हैं और वहां पर जाकर के राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाओं के बारे में वो बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं कुमाऊं में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यात्रा के वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। भाजपा की ये यात्रा जनवरी के पहले हफ्ते तक चलेगी और इस दौरान यात्रा गढ़वाल की कम से कम 2,607 किलोमीटर होगी ये कहा जा रहा है, जबकि ये कुमाऊं में 1,890 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कल से होगी। कल 18 तारीख को हम इस यात्रा का पहला जो गढ़वाल की यात्रा होगी हरिद्वार से प्रारंभ करेंगे। आज 3 बजे हम रथ का पूजन करेंगे जो रथ गढ़वाल में जाएगा हरिद्वार हर की पौड़ी पर। हमारी इस यात्रा का शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे चुनाव के प्रभारी जी दोनों रहने वाले हैं। परसों 19 तारीख को भगवान बागनाथ के दर्शन करके और बागेश्वर से उस यात्रा की, कुमाऊं की जो यात्रा होगी उसका शुभारंभ करेंगे। उसमें भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जी और मैं, हम उस यात्रा में रहने वाले हैं। इस यात्रा को हम लोगों ने जो दो भागों में डिवाइड किया है, इसमें जो गढ़वाल की यात्रा होगी वो 2660 किलोमीटर लंबाई में यात्रा होगी और जो कुमाऊं की यात्रा होगी वो 1890 किलोमीटर की होगी। इस प्रकार जो दोनों यात्रा होंगी वो दोनों यात्रा 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा होगी। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह पिथौरागढ़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में जिला स्तर के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, जिनसे काफी देर तक मीटिंग करते हुए, बातचीत करते हुए दिखाई दिए राज्यपाल। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह नैनीताल के दौरे पर भी रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पलायन कर चुके लोगों को भी वापस लाने के लिए कोशिशें लगातार हो रही हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध रोकना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। मकसद ये था कि यहाँ पर विकास कैसे हो सकता है और किस प्रकार से हम सबकी सेवा कर सकते हैं। कल मैंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो आप कहते हैं कि जो महिलाओं के ऊपर में बेस्ड हैं, स्वयं सहायता समूह जो है, उनका काम देखकर बहुत खुशी हुई। देखिए उनका काम इतना अच्छा है और उनके अंदर में सबसे मुझे अच्छा क्या लगा कि जो पहाड़ की जो उत्तराखंड की महिला है ना, ये अवश्य एक क्रांति लाएंगी, उनकी बहुत मेहनती है। देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की रैली में तो पीएम मोदी की रैली से भी ज्यादा भीड़ उमड़ी है। उधर भाजपा इस बात को लेकर तंज कसते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता का दौरा हुआ मगर उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा, ये बीजेपी कह रही है। केवल इतना कहना कि यदि वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते, यदि उत्तराखंड की जनता से जो उन्होंने CDS के लिए उनके एक नेता ने बयान दिया उस पर माफ़ी मांगते, यदि वो कश्मीर को लेकर जो उनके एक नेता ने बयान दिया उस पर माफ़ी मांगते, देश की अखंडता के लिए हमारे सैनिक जो बलिदान होते हैं उन पर माफ़ी मांगते कि उनके बारे में क्या कहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उत्तराखंड की जनता कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में विचार करती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया,
और पूरी तरीके से उत्तराखंड की जनता को निराश और हताश उनके बड़े नेता ने किया। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रदेश में आपकी सरकार बनने पर 6 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिस पर भाजपा तंज कस रही है। क्या कहा है मदन कौशिक ने, आपको सुनाते हैं। वो चीजें होती हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने जिले बनाए, कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही उसने किसने रोका था बनाने के लिए। आज जब वो विपक्ष में होती है तो राजधानी की बात भी करती है, नए जिलों की बात भी करती है, नई तहसीलों की बात भी करती है। जब वो सत्ता में होती है तो ना राजधानी की बात करती ना नए जिलों की बात करती। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन के साथ है, उत्तराखंड का विकास मोदी जी के साथ है। अब नए जिले बनाने की घोषणा के बाद से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा के बयान पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है, क्या कुछ कहा सुनाते आपको। काशीपुर में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए 6 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसमें काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार, रुड़की और यमुनोत्री शामिल हैं। उसके बाद विपक्ष ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, तो विपक्ष में बौखलाहट पैदा हो गई है। आज विपक्ष अनर्गल बयानबाजी पर उतर आया है। जो लोग कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हैं या उनके सामने कोई समस्या है, अब उन्हें घर पर रहकर ही उनके समस्या का समाधान करने का मौका मिलेगा, और इसके लिए नैनीताल से ई कोर्ट वैन की शुरुआत की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 8 जिलों के लिए सचल न्यायालय वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत 15 अगस्त को 5 मोबाइल वैनों का संचालन किया जा चुका है, और अब 8 नए सचल वाहनों के मिलने से राज्य के लोगों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। 13 जिलों के लिए 13 मोबाइल वैन हमने रवाना कर दिए। इनका फ़ायदा जनता के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ऐसा कोई साक्षी है जो गवाही देने के लिए न्यायालय में अपनी किसी परेशानी की वजह से कोई शारीरिक असमर्थता है नहीं आ सकता, तो उसको मोबाइल वैन भेज करके उसके घर पर और उसका साक्ष्य अंकित कराया जा सकता है। पौड़ी से खबर है। पौड़ी में सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाला गंदा पानी इन दिनों शहरों में खुलेआम बह रहा है, जिससे नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका से बार बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। याद आती है इसके अंदर से ना, दिन में पानी पूरा बहता रहता है उसमें। हमें नहीं, पूरे पड़ोसियों को दिक्कत है ना, यहाँ पर जितने नीचे कभी कोई कंप्लेन करता है अगर ना, मतलब स्मेल बहुत ही ज्यादा आ रही है। कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर खटीमा की सुरई वन रेंज में भी जंगल सफारी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जंगल सफारी की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी खबर है। सुरई वन रेंज में जंगल सफारी बनना वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए बड़ा तोहफा होगा। सुरई वन रेंज में जंगल सफारी के लिए जंगल ट्रैक को तैयार कर दिया गया है। पर्यटकों को जिप्सी के माध्यम से 4 से 5 घंटे की सफारी करवाई जाएगी। साथ ही सुरई गेस्ट हाउस परिसर में टेंट कॉलोनी भी बनाई जा रही है, जिसमें बाहर से आने वाले वाइल्ड लाइफ के शौकीन रुक करके जंगल की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं। जिप्सी सफारी संचालित करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से सीतावनी जोन रामनगर वन प्रभाग में सफारी का आयोजन किया जाता है, उसी पैटर्न पे यहाँ भी ये चलाई जाएगी, जिससे कि स्थानीय युवाओं को, व्यवसायियों को रोजगार के उनके अवसर बढ़ेंगे और इस क्षेत्र के विकास में सब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुमाऊं के दौरे पर हैं। हल्द्वानी में जनसभा के दौरान उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 21 साल बाद भी बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद किया है और यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है। और इतना ही नहीं, सिसोदिया ने दावा किया है कि अब जनता केजरीवाल की 4 गारंटी योजना पर वोट करेगी। मैं 4 दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा और केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा लोगों के साथ में, यहाँ पे जनसभाएं करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं, उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। चारों गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो चारों गारंटियों पर काम पूरी तरह से होगा। इस बार उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प है। उत्तराखंड का एक एक स्कूल उत्तराखंड के लोगों के एक एक वोट से बनेगा। इस बार उत्तराखंड के वोटों की ताकत से बनेगा। और इन्हें बता देना कि तुमको भी देख लिया, हमने कांग्रेस को वोट देके देख लिया, हमने बीजेपी को वोट देके देख लिया,
इस बार तो वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा। उत्तराखंड में इस बार अपना वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा, ना कांग्रेस के नाम पे पड़ेगा, ना बीजेपी के नाम पे पड़ेगा, स्कूल के नाम पे पड़ेगा उत्तराखंड। 18 दिसंबर को मनीष सिसोदिया बागेश्वर आने वाले हैं। गरुड़ के 42-13 में जनसभा को संबोधित करेंगे। सिसोदिया की जनसभा की तैयारियों को लेकर पार्टी जोर शोर से वहां पर जुटी हुई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि सिसोदिया के दौरे को लेकर जनता में भारी उत्साह है और उनके आगमन से चुनावी तैयारियों को और भी नई धार मिलेगी। हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम और पार्टी के मुख्य नेताओं में से सिसोदिया साहब बागेश्वर आ रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से बागेश्वर की जनता में उत्साह है और हम ये समझते हैं कि बहुत बेहतर और सफल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसके तहत उन्होंने भगवानपुर और पिरान कलियर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, ये जनता का विकास नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी के पिथौरागढ़ जिले के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में हमने जनता के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनता चुनाव लड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, खबर कोटद्वार से है जहां के चौबट्टा खाल विधानसभा में भाजपा का जन आशीर्वाद कार्यक्रम हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत मेंबर्स ने भाजपा के सीनियर नेता, क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान सतपाल महाराज ने पीएम मोदी के काशी दौरे का भी जिक्र किया। रोजगार की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास पूछ किया। बेरोजगार युवाओं की मांग है कि सरकार ने पिछले 7 सालों से पुलिस विभाग में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती नहीं निकाली है, जिसकी वजह से इस नौकरी के इच्छुक तमाम युवकों की उम्र निकलती जा रही है। इसी के विरोध में आज बेरोजगार युवक देहरादून के परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास पूछ के लिए निकले। आचार संहिता लग जाएगी, आप अपने घर में होंगे, हम अपने घर में होंगे और कुछ नहीं होगा। हल्द्वानी के रहने वाले अभय जोशी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। अभय जोशी का कहना है कि वो 3 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अभय ने जॉब के साथ ही परीक्षा की तैयारियां शुरू की थी। अपने इस कामयाबी पर अभय बेहद खुश हैं।